बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। दो अज्ञात लुटेरों ने ड्यूटी से वापस जा रहे बस कंडक्टर को बस स्टैंड परिसर में अंधेरे का फायदा उठाकर लूट लिया और कंडक्टर का नया मोबाइल लेकर भाग निकले। रात के दौरान गांव में घुसे तेंदुए ने तबेले में बंदी बकरी पर हमला कर शिकार करने की घटना 1 सितंबर को चिचाल गांव में घटित हुई। इस घटना में चिचाल निवासी सुरेश कुसुंगे नामक पीड़ित पशुपालक के लगभग 10,000 रुपयों के बकरी की मौत हुई है। ट्रैक्टर की टक्कर से दोपहिया सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 1 सितंबर को मीठेवानी चांदपुर मार्ग पर घटित हुई। इसे लेकर तुमसर पुलिस ने दावेझरी निवासी ज्ञानेश्वर गोमा निवारे उम्र 40 वर्ष की शिकायत पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खाना खाकर घर पर बैठे एक युवक की अचानक मौत हो गई। मृतक का नाम चपराड निवासी विकास पंडरी बहारे उम्र 36 वर्ष है। डॉक्टर ने जांच कर बताया उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। लाखनदूर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गोंदिया के बीच पांगोली नदी पुल के पास रेलवे लाइन पर एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। गोंदिया ग्रामीण पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। मुरुम टोला निवासी फिरियादी रंजित महागुपोंगड़े उम्र 33 वर्ष के खेत के पास मुरुम टोला नाले पर लगाया मोटर पंप चोरी हो गया। फिरियादी की शिकायत पर सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मोहाड़ी पुलिस ने जुआ और कादरवर्टी थाना अंतर्गत शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और आरोपियों के पास से 26,925 रुपए का माल जब्त किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।